ट्रस्ट मी, मुझे इस पैसेज में अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया. स्टिल आई एम फाइंडिंग आउट माई आंसर्स, राइट. अब आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये आंसर आपको कहाँ से मिलता है? 98% टाइम्स ये आपको आंसर मिलता है यहाँ. आपको कई सारे वर्ड्स के मीनिंग नहीं आते, मुझे भी नहीं आते, नो वरीज. ग्रीटिंग्स एवरीवन, दिस इज माई सेकेंड वीडियो ऑन रीडिंग मॉड्यूल. It is going to be all in one type of video because I will be trying to shoot all your troubles related to reading section in this single video. Firstly, I will be showing you how do I manage to attempt all questions within 1 hour. Later, I will be sharing my tips and tricks about each and every type of questions in the reading section. These questions will be including list of headings, filling the blanks, reading diagrams, MCQs, information matching, and the last one, true, false, and not given. So let's start the video with first and the foremost and the biggest problem of the people in reading section, and that is time management. I have listened from many students that ki ma'am humse time manage nahi hota, hum 40 questions 1 hour mein nahi kar pate. So that is the thing which I will be sharing. टाइम मैनेजमेंट के लिए मेरी जो स्ट्रैटेजी है दैट इज दैट आई स्पेंड 20 मिनट्स ऑन एवरी पैसेज. इससे क्या होता है कि जब भी मैं अपने माइंड को कमांड देती हूँ कि यू हैव 20 मिनट्स फॉर ईच पैसेज, तो मेरा माइंड क्या करता है, ज़्यादा प्रेशराइज फील नहीं करता, रिलैक्स मोड में रहता है. एंड ट्रस्ट मी, इफ यू विल डू रीडिंग वाइल पेइंग क्लोज अटेंशन ऑन टाइम, यू विल बी इन स्ट्रेस एंड दैट विल ट्रिगर योर माइंड नॉट टू कॉन्सेंट्रेट. एंड वट विल बी द रिजल्ट? लेस पैंड स्कोप. So, आपके लिए टिप ऑफ द डे ये रहेगा फॉर द टाइम मैनेजमेंट कि अपने माइंड को कमांड दीजिए कि यू हैव 20 मिनट्स. सो 20 मिनट्स जब भी होंगे ना, आप स्ट्रेस में नहीं जाएंगे. एंड बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ये सिर्फ प्रेशर हैंडलिंग एक टेस्ट होता है कि विद इन 1 आवर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यू कैन फाइंड, हाउ यू कैन कंट्रोल योर माइंड टू फुली कॉन्सेंट्रेट ऑन एनी पर्टिकुलर कॉन्टेंट गिवन. रीडिंग को चिल मोड में करने का एक और बेनिफिट है. यू नो व्हाट इज द लेवल ऑफ द पैसेजेस? आई हैव अपीयर्ड इन एग्जाम फॉर 6 to 7 टाइम्स एंड एवरी टाइम माय फर्स्ट पैसेज वाज द इजीएस्ट वन, फॉलोड बाय द मॉडरेट एंड द लास्ट वन वाज द टफेस्ट वन. सो यही, वैसे ये ना सीरीज चेंज हो सकती है, राइट. बी रेडी बिकॉज इंटरनेशनल एग्जाम है. लेकिन अभी तक मैंने जो देखा, द फर्स्ट पैसेज यू गेट इज द इजिएस्ट वन, देन द मॉडरेट, फॉलोड बाय द मोस्ट डिफिकल्ट वन. तो चिल मोड में करने का एक और बेनिफिट होता है. ये क्या बेनिफिट होता है? जो मेरा इजिएस्ट पैसेज है ना, दैट आई कैन कवर विद इन 10 to 15 मिनट्स. देखो, मैंने पहले ही अपने माइंड को कमांड दे रखी है कि यू हैव 20 मिनट्स फॉर ईच पैसेज, है ना, कि तुम्हारे पास 20 मिनट्स हैं ईच पैसेज के लिए. एक तो इससे ही माइंड रिलैक्स हो जाता है कि 20 मिनट्स हैं आपके पास हर पैसेज के लिए. सेकंड, दिस इज द लेवल इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट. तो सेकंड क्या होता है, इजीएस्ट पैसेज में यू हार्डली टेक 10 to 15 मिनट्स, यानी यहाँ आपके 5 या 10 मिनट बच जाते हैं. मॉडरेट में अगर आप 15 मिनट्स भी कर रहे हो तो इट मीन्स अगेन व्हाट हैपन्स दैट यू आर सेविंग योर 5 मिनट्स. And the difficult one, the most toughest one, can be done 20 minutes plus 10 minutes. Right? So this is a strategy which I follow. कि जब मैं easy passes कर लेती हूँ, मैं ये नहीं करती कि हर passes मेरे को 20 minutes में करना है. वैसे mind को command देती हूँ कि 20 minutes हैं तुम्हारे पास, कि वो chill हो जाए. So दूसरा वो chilling mode में तब आ जाता है जब मेरा first passes 10 to 15 minutes में cover up हो जाता है. इसके बाद मेरा second passes शुरू होता है, वो easiest one तो नहीं रहेगा, लेकिन प्रैक्टिस से आपको लग जाते हैं ओल्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हेन यू आर फैमिलियर विद. सो इट इज नॉट दैट टफ टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस विद इन 15 to 20 मिनट्स. एंड द टफेस्ट, यू नो, वी विल बी कवरिंग 20 मिनट्स एट लीस्ट. तो इस वीडियो में आई विल बी गिविंग यू डेमोन्स्ट्रेशन दैट हाउ डू आई कम्प्लीट माई 40 क्वेश्चंस विद इन 1 आवर, राइट. एंड मैंने आपसे क्वेश्चन टाइप शेयर किए थे, इनकी टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं साथ साथ शेयर करती रहूंगी विद इन दैट पर्टिकुलर 1 आवर, ताकि आपको फैमिलियरिटी हो जाए कि आप कैसे प्रेशर को डील कर सकते हैं, राइट. तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग.
राइट. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट ऑफ हेडिंग्स. पैराग्राफ ए, पैराग्राफ बी, पैराग्राफ सी, डी, ई, एफ. सो दीज आर द सिक्स क्वेश्चंस. लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हमें कवर अप करने हैं, राइट. इंस्ट्रक्शंस को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा. मैं कई बार रीडिंग करते हुए क्या करती हूँ, जो एग्जांपल होता है कई बार उसकी हेडिंग वो दे रखा होता है एग्जांपल में. कई बार सी पैसेज का एग्जांपल और उसकी हेडिंग दे रखा होता है. सो आई वेस्ट माय टाइम देयर कि सी पैसेज की हेडिंग में क्या होगा एंड ऑल. सो यू शुड नॉट बी डूइंग दैट. सो पैराग्राफ ए, अब मेरे पास 1 आवर है, लेट्स डील फास्ट. पैराग्राफ 1 बोल रहा है, बिग ट्रीज आर इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली. For a start, they sustain countless other species. They provide shelter, trunks, branches, वगैरह, gardens, hung with green ferns, orchids, bromeliads. आपको कई सारे words के meaning नहीं आते, मुझे भी नहीं आते, no worries. Coated with the mosses and draped with vines, with all these tall canopies basking in the sun, they capture vast amount of energy. This allows them to produce massive crops of fruits, flowers, foliage that sustain much of the animal life in the forest. अगर आप इस पैसेज को ध्यान से पढ़ो, देखो इनक्रेडिबली इम्पॉर्टेंट है ना, इम्पॉर्टेंट है. इट मीन्स यहीं से आपको पता चल गया. आपको ना काफी सारे यूट्यूबर्स ये बोलते हैं कि फर्स्ट लाइन से या लास्ट लाइन से आपको पता चल जाएगा. एंड येस इट हैपन्स मेनी टाइम्स. मैं क्या करती हूँ यहाँ, मेरे को देखो देखो इन्होंने इनक्रेडिबली इम्पॉर्टेंट बता रखा था फॉर अ स्टार्ट, कि वो क्या करते हैं, स्पीसीज को शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं, एनिमल को शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं, ग्रीन फर्न्स वगैरह देते हैं आपको, और क्या है, एक वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी कैप्चर, और क्या है, वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी कैप्चर करते हैं. दिस अलाउज देम टू प्रोड्यूस एंड ऑल दीज थिंग्स आर डन, राइट. सो यहाँ से पता चला. तो जब मैंने अपने पहले पैसेज को रीड किया, अब मैं लिस्ट ऑफ हेडिंग में एलिमिनेशन मेथड फास्ट करने वाली हूँ. ओके, तो एलिमिनेशन का मतलब होता है क्रॉस कर दीजिए. जब मैंने पहला पैसेज पढ़ा है, मेरे को क्या पता चला कि उसमें बेनिफिट्स दे रखे हैं. कोई भी कोई ऐसी चीज नहीं दे रखी, जैसे हाउ डिफोरेस्टेशन हार्म्स, नहीं दे रखा तो क्रॉस. हाउ अदर प्लैनेट कैन कोज हार्म, नहीं है. हाउ बिग ट्री सपोर्ट द मोस्ट डाइवर्स स्पीसीज, बिग ट्रीज की बात कर रखी है लेकिन डाइवर्स स्पीसीज की बात नहीं कर रखी. उसने सिंपल ये बोला है कि एनर्जी देता है आपको, खाने के लिए देता है, शेल्टर देता है, ऑल राइट, समथिंग लाइक दैट. तो मेरे को जब मैंने फर्स्ट पैसेज पढ़ा, मेरे को बेनिफिट्स थे. तो एलिमिनेशन वगैरह यूज करके हार्म वाले सारे क्रॉस कर दीजिए और फिर आपका जो फर्स्ट आंसर है दैट इज हाउ वाइल्ड लाइफ बेनिफिट्स फ्रॉम द बिग ट्रीज. क्योंकि रिस्क की बात नहीं कर रहा, इंडस्ट्रीज की बात नहीं की उसमें, है ना, टेम्परेचर्स की बात नहीं की उसमें, और इसके बाद हाइट्स की बात नहीं. इज द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग लिस्ट ऑफ हेडिंग इज टू एलिमिनेट. अब फटाफट कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से. बेनिफिट्स की बात कर रहा था, तो मेरा फर्स्ट आंसर इज ये, मेरा फर्स्ट आंसर इज हाउ वाइल्ड लाइफ बेनिफिट्स, VI 6, राइट. Only a small number of tree species have the genetic capacity to grow really big. The mightiest are the natives of North America. Big trees grow all over the globe from tropics to boreal. To achieve giant stature, a tree needs 3 things. Right place to establish, उसने बोला 3 चाहिए चीजें. सीडलिंग चाहिए, ग्रोइंग चाहिए और टाइम चाहिए, राइट. डिस्ट्रप्ट यानी जब नहीं मिला आपको, यू कैन लूज योर बिगेस्ट ट्रीज. यानी सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या चाहिए आपको, 3 फैक्टर्स चाहिए. दिस इज द, और अब दोबारा वही एलिमिनेशन मेथड फटाफट से कर लीजिएगा. हार्म्स की बात नहीं कर रहा, तो हार्म्स वाले आपके क्रॉस हो गए हैं 1 2. डाइवर्स स्पीसीज की बात नहीं कर रहा है ना, 3. लॉस की बात नहीं करी, 4 खत्म. मेजर टू प्रिवेंट, ये भी खत्म, दिस इज खत्म. रिस्क फ्रॉम पेस्ट्स, इनकी बात नहीं की. इंडस्ट्रीज की बात नहीं करी है. हाउ टेम्परेचर्स की बात नहीं कर रहा है. एंड येस द आंसर इज फैक्टर्स दैट अनेबल ट्रीज टू ग्रो टू सिग्निफिकेंट हाइट्स. हाइट्स की बात कर रहा था, 3 फैक्टर बताए हैं उसने. यू कैन सी हियर, यहाँ हाइट्स की बात कर रहा था, ग्रो रियली बिग, है ना, और इट मीन्स वही बार बार हाइट्स की बात करके, और उसने यहाँ 3 फैक्टर बताए हैं, राइट प्लेस एंड ऑल. सो यस माय आंसर इज एक्स. इसके बाद थर्ड, अब मैं फटाफट करने वाली हूँ, राइट, क्योंकि वो तो मैंने टाइम लिया है आपके साथ टिप्स शेयर करने के लिए. इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड
इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशंस ऑफ बिग ट्रीज आर ड्विंडलिंग, पॉपुलेशंस खत्म हो रही हैं बिकॉज देयर सीडलिंग्स कैन नॉट सर्वाइव अ ग्रो. इन सदर्न इंडिया फॉर इंस्टेंस एन एग्रेसिव श्रब होता है कोई, लेंटाना कैमरा, इज इनवेडिंग द फ्लोर ऑफ मेनी फॉरेस्ट. लेंटाना ग्रोज सो क्विकली दैट यंग ट्रीज ऑफन फेल टू टेक रूट. यानी देखो उनके नुकसान की बात करें है ना, विद नो यंग ट्रीज टू रिप्लेस देम इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइम अक्रॉस मच एंड ऑल द ग्रास ग्रोज बिग टू दिस क्रिएटिंग सुपर फायर. यानी देखो ग्रास वगैरह की बात कर रहे हैं और इससे ट्री मोर्टैलिटी, ट्रीज में मृत्यु दर बढ़ रही है. सो कुछ आइडिया हुआ मेरे को, डिफोरेस्टेशन की बात नहीं की, ये आ सकता है ना. हाउ अदर प्लांट्स कैन कोज हार्म, है ना, दूसरे प्लांट्स की बात कर रहा था. देखो द फर्स्ट ही टॉक्ड अबाउट श्रब, श्रब क्या होते हैं, झाड़. सेकेंड उसने बात की ग्रास की, और ये प्लांट्स हैं, और ये प्लांट्स क्या कर रहे हैं, कैटास्ट्रोफिक ट्री मोर्टैलिटी, ट्रीज के ऊपर बैठ. और यह हमें दे रहा था पॉपुलेशन ऑफ बिग ट्रीज आर ड्विंडलिंग, राइट. सो वेरी फाइन, हमारा जो हमारा सी है दैट इज सेकेंड पैराग्राफ डी. फर्स्ट पैराग्राफ डी, Without the right growing condition, tree cannot grow really big. There is some evidence to suggest that tree growth could slow in warmer world, particularly in environment that are already warm. Having worked decades and all, during the day photosynthesis होता है, shut down होता है जिससे worm आ जाता है and all, और consume energy, metabolic rate increase होता है. Reptiles जो रेंगने वाले होते हैं that as a reptiles would it gets warmer, warm होता है and all. अब आप ये चीज बात कीजिए, देखो हर बार क्या कर रहा है वो, वार्मर 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 वार्मर, राइट. फिर वही मैं क्या बताने वाली हूँ कि कीवर्ड्स की बात नहीं कर रहा है, डिफोरेस्टेशन की यहाँ बात नहीं की, ये मेरा खत्म हो गया. स्पीसीज की बात नहीं कर रही है, इम्पैक्ट ऑफ बिग ट्रीज लॉस की बात नहीं कर रहा, मेजर टू प्रिवेंट बताया नहीं उसने स्टेप्स कैसे हैं, ये खत्म हो गया. पेस्ट की बात नहीं, इंडस्ट्रीज की बात नहीं की, एंड दिस वन इज लेफ्ट ना वार्मर वार्मर वार्मर. हाउ हायर टेम्परेचर स्लो द रेट ऑफ द ट्री ग्रोथ, यानी वार्मर वही टेम्परेचर की बात है. सो फास्ट कर लेते हैं, माई आंसर इज आई एक्स, राइट. सो द थर्ड आंसर इज आई एक्स. इसके बाद आता है पैराग्राफ ई, द क्लार्क हाइपोथेसिस इफ करेक्ट मीन्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वुड श्रिंक ओवर द टाइम, द लार्जेस्ट ओल्डेस्ट वुड प्रोग्रेसिवली डाई ऑफ की खत्म हो जाएंगे, दिस माइट ट्रिगर अ डी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द क्लाइमेट. देखो वो खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, डिस्टैब्लिशमेंट होगा क्लाइमेट का, कि ओल्ड ट्री मर जाएंगे, इट वुड रिलीज कार्बन, यानी वो कार्बन एमिशन वगैरह. अब उनके प्रभाव बता रहा है, राइट, कि अगर ये पेड़ खत्म हो गए तो उसके इफेक्ट्स ये होंगे. सो फाइन, अगेन डिफोरेस्टेशन नो, अदर प्लांट्स डन, सपोर्ट की बात नहीं हुई. इम्पैक्ट ऑफ बिग ट्रीज लॉस ऑन द वाइडर एनवायरमेंट, है ना, यही बात हुई है. आगे देखो, मेजर्स नहीं दे रखा, वाइल्ड लाइफ बेनिफिट्स खत्म हो गया, पेस्ट नहीं दिए, इंडस्ट्रीज नहीं दी, टेम्परेचर खत्म हो गया, फैक्टर खत्म हो गया. इट मींस एवरी टाइम आई फोकस ऑन द एलिमिनेशन मेथड. सो मेरा ई आंसर क्या आने वाला है, मेरा ई आंसर है दिस वन, की इम्पैक्ट ऑफ बिग ट्री लॉस ऑन द वाइडर एनवायरमेंट. सो हमारा आंसर इज फोर्थ, आर आंसर इज फोर्थ. नाउ पैराग्राफ एफ, बिग ट्रीज फेस थ्रेट्स फ्रॉम एवरीवेयर, द मोस्ट सीरियस इज इंक्रीजिंग मोर्टैलिटी मैच्योर ट्रीज में है, फॉरेस्ट ऑफ स्लो ग्रोइंग एंशियंट ट्रीज हैव बीन क्लियर्ड. अब देखो, जब मैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को कर रही थी, एलिमिनेशन मेथड कर रही थी, तो डिफोरेस्टेशन सबसे पहली चीज आ रही थी, राइट. तो यहां भी बता दिया कि फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया है, कट कर दिया गया है. आगे क्या बोला, इन वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका मोस्ट हैव बीन रिप्लेस्ड बाय मोनोकल्चर्स ऑफ फास्ट ग्रोइंग कॉनिफर्स, यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी उन्होंने, एंड वो ही है वुड लॉगिंग जो होता है, फाइन, काटना, लॉगिंग इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स, वुड कटर, टिम्बर कटर्स, यानी डिफोरेस्टेशन की बात कर रहा है. दैट्स वेरी फाइन, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी. माई आंसर इज फर्स्ट वन, हाउ डिफोरेस्टेशन हार्म आइसोलेटेड ट्रीज, एंड दैट्स इट. मेरे को ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना. इसके बाद है पैराग्राफ जी. पैराग्राफ जी में क्या बोल रहा है, पर्टिकुलर एनिमीज टू लार्ज ट्रीज आर ओके. अब ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, राइट. मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट लाइन से भी आंसर मिलते हैं, ओके.
फाइन, फर्स्ट लाइन से आंसर मिलते हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के, और एलिमिनेशन मेथड से मस्त वाले मिलते हैं विच आई पर्टिकुलरली फाइंड आउट. सो मेरा जो इंसेक्ट वाला है, व्हाट इज दैट रिस्क, वी आई आई. फाइन, सो दैट माय आंसर इज वी आई आई. नाउ कम्स दिस वन, ये है आपके फिलअप्स. और सबसे पहले हेडिंग्स को पढ़िएगा अच्छे से, नो मोर देन टू वर्ड्स, दो वर्ड से ज्यादा नहीं, राइट, थ्री वर्ड्स नहीं लिखोगे. फाइन, तो यहाँ क्या रखा है इन्होंने, अब देखिए इनको करने का एक अच्छा तरीका क्या है, कीवर्ड्स फाइंड आउट कीजिए और उसके बाद आप, मैं इनके ऊपर ज्यादा फोकस करती हूँ, ये वाले जो मेरे लिसनिंग के भी होते हैं ना फिलअप्स, इन पे कि दे कैन बी फाउंड इन, कहाँ पर मिलते हैं, समथिंग लाइक दैट. बिकॉज ऑफ का सिनोनिम भी यूज किया जा सकता है यहाँ पे. रिलीज किस चीज की होगी, स्ट्रोंग क्या, स्ट्रोंग दैट आर देयर, डैश हैज अ वर्स इम्पैक्ट ऑन, यहाँ कंपैरिजन दे रखा है, समथिंग लाइक दैट. अ स्पीसीज ऑफ डैश हैज डिस्ट्रॉयड, अ स्पीसीज ऑफ डैश हैज डिस्ट्रॉयड, राइट. तो फिलअप्स कर लेते हैं फटाफट. कीवर्ड देखो, बिगेस्ट ट्रीज कैन बी फाउंड इन, राइट. सो मेरा कीवर्ड है, मेरे कीवर्ड्स हैं बिगेस्ट ट्रीज एंड कैन बी फाउंड इन, सो वेरी फाइन. अब बिग ट्रीज आर यहाँ दे नहीं रखा था, ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ ट्रीज आर जेनेटिकली, ओके, द बिगेस्ट, यहाँ देखो द बिगेस्ट ट्रीज, ये है आपका कीवर्ड बिगेस्ट, एस टी लगा हुआ है, राइट, दे कैन बी फाउंड. वैसे तो पूरे पैसेज में बिग ट्रीज की बात हो रखी है, लेकिन मेरे को क्या करना है, बिगेस्ट वन. अब यहाँ से उन्होंने डिग्री यूज कर रखा है, नाउ सी मेरे को लोकेशन यहाँ मिली है, सो द माइटीएस्ट आर नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका, माइटीएस्ट बिगेस्ट, राइट. सो आंसर इज डन, ज्यादा डन है नॉर्थ अमेरिका. अब है सेकेंड, नाइन्थ, सम ट्रीज इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया डाई बिकॉज ऑफ डैश मेड वर्स बाय गैम्बा ग्रास. तो मेरे कीवर्ड क्या है, गैम्बा ग्रास एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, राइट, गैम्बा ग्रास एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया. फर्स्ट टू पैसेज में नहीं है इसकी बात, इसके बाद सी पैसेज में हो सकती है, सी पैसेज में ग्रास की बात हुई है, ये देखो सी द लोकेशन. तो ये मेरे को लोकेशन मिल गई है, अब इससे हम मिल लेते अपने आंसर. अक्रॉस मच ऑफ नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया गैम्बा ग्रास फ्रॉम अफ्रीका इज ओवररनिंग नेटिव सवन्ना वुडलैंड, द ग्रास ग्रोज अप टू 5 meters टोल एंड बर्न फियर्सली क्रिएटिंग सुपर हॉट फायर दैट कॉज सुपर हॉट फायर्स, है ना, सी दिस. ये पता है क्या बोल रहा है, कि ये जो गैम्बा ग्रास है वो क्या करती है, 4-5 meters लंबी हो जाती है और फिर बर्न होना शुरू हो जाती है, जिससे क्या होती है, फायर हीट होती, फायर जनरेट होती है, और जिसकी वजह से ये ट्रीज मर जाते हैं. सो यस, अपना आंसर इसमें कर लेते हैं, सम ट्रीज इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया डाई बिकॉज ऑफ, और किसकी, गैम्बा ग्रास ने किया उसको क्रिएट, है ना. हम यहाँ या तो हमारा आंसर फायर हो सकता है या सुपर हॉट फायर्स, तो मैं लिख रही हूँ फायर, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती, सुपर हॉट फायर भी आ जाए. कम क्लार्क वाला एक ही पैसेज था अगर आपको याद हो. क्लार्क्स बिलीव दैट द रिलीज ऑफ डैश, ये तो सिंपल सा आंसर क्लार्क मेरे को मिला है इस पैसेज में, ध्यान से देखिएगा, द क्लार्क हाइपोथेसिस है, क्या रिलीज हो रखा है ना, रिलीज दिस इज देयर. तो ये है मेरी लोकेशन, द फॉरेस्ट वुड रिलीज सम ऑफ देयर स्टोर्ड कार्बन, रिलीज क्या कर रहा है, कार्बन. सो मेरा आंसर क्या है, कार्बन. रिलीज के ऊपर फोकस करके मैंने अपना आंसर जल्दी जल्दी फाइंड आउट कर लिया, कार्बन. अब नेक्स्ट है, स्ट्रॉन्ग डैश आर केपेबल ऑफ डैमेजिंग टोल ट्रीज इन अमेजोन, कीवर्ड क्या है, अमेजोन एंड वेरी फाइन. अमेजोन जहां भी मिले दैट इज माई आंसर लोकेशन, सो अमेजोन देख लेते हैं अगर आपको कहीं नजर आ रहा है. अच्छा, रीडिंग की अच्छी बात ये होती है कि वो सीक्वेंस में मिलते हैं आंसर, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स तो नहीं होता बट सीक्वेंस में मिलते हैं, यस. सो वो तो चलो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है दैट आई वोंट बी शेयरिंग, कि आप फाइंड आउट कैसे करते हो लोकेशन एंड ऑल. ये मेरे को अमेजोन मिला है, सी दिस, इन द अमेजोन माई कलीग्स एंड आई फाउंड द मोर्टैलिटी रेट ऑफ द बिगेस्ट ट्री हैड ट्रिपल्ड इन स्मॉल पैचेस ऑफ रेन फॉरेस्ट. ये अमेजोन के बारे में, बाय द पास्चर लैंड दिस हैपन टू रीजन, दे ग्रो बिग ट्रीज बिकम थीकर व्हेन विंड्स ब्लो अक्रॉस द सराउंडिंग, देर इज नथिंग टू स्टॉप देयर एक्सेलरेशन व्हेन दे हिट, जब वो हिट करती हैं तो दे कैन स्नैप देम, यानी ऐसे तोड़ देते हैं, चुटकियों में तोड़ देती हैं, राइट. तो वो ये विंड्स
है ना, विंड्स ब्लो, जब विंड्स करती हैं एक्सिलरेशन, यानी उनकी तेज गति को, एक्सिलरेशन क्या होता है, तेजी से, राइट। एक्सिलरेटर क्या होता है, क्या करता है, तेज करता है ना आपके बाइक की स्पीड को, तो ऐसे ही एक्सिलरेशन से पता चल गया। तो मेरा आंसर क्या है, विंड्स। सो यस, सो मेरा 11th आंसर है विंड्स। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12। डैश हैज अ वर्स इम्पैक्ट ऑन टोल ट्रीज देन द स्मॉलर वंस, कि टोल ट्रीज की स्मॉल ट्रीज से ज्यादा अफेक्ट हुए हैं आपके टोलर वाले। ओके, तो लोकेशन इंसेक्ट्स की बात कर रखा है, तो डोंट वरी। ओके, सेकंड, रेन फॉरेस्ट फ्रेगमेंट ड्राई आउट व्हेन, लोकेशन फाइंड आउट कर रही हूँ मैं, टोल ट्री और स्मॉल ट्री, ये आगे देखो, क्योंकि स्मॉल ट्रीज दिस इज देयर। तो अब देखो यहीं से मिलेगा मेरे को आंसर। 1-4 year study has shown that death rate will double हो जाएगा for smaller trees, but will increase 4.5 times for the bigger trees. यानी बढ़ेगा ना, इनका तो डबल हो जाएगा लेकिन इनका 4 गुना, 4.5 गुना होने वाला है। तो हमारा आंसर क्या है, ओके, और ये किसकी वजह से हुआ है, ये सारा किसकी वजह से हुआ है, सेकेंड, देखो लोकेशन है, सेकेंड, रेन फॉरेस्ट फ्रेगमेंट ड्राई आउट व्हेन सराउंडेड बाय ड्राई होट, रिजल्टिंग ड्रॉट कैन हैव डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंस, है ना, कि ड्रॉट का बुरा प्रभाव हो सकता है। अब डिवास्टेटिंग का मतलब क्या है, वर्स इम्पैक्ट, राइट, कि उन्होंने क्या बताया कि ड्रॉट का वर्स इम्पैक्ट उन्होंने क्या बता रखा है, देखिए कि एक 4 साल की स्टडी ने ये शो किया है कि डेथ रेट विल डबल फॉर द स्मॉलर ट्रीज बट विल इंक्रीज 4.5, यानी ड्रॉट्स का ये रिजल्ट आने वाला है। तो मेरा आंसर यहाँ पर है ड्रॉट, DROUGHT। नेक्स्ट कम्स 13। इन वेस्टर्न नॉर्दर्न अमेरिका अ स्पीसीज ऑफ डैश, मेरा ये कीवर्ड क्या है, वेस्टर्न नॉर्दर्न अमेरिका। ओके, ये रहा, अक्रॉस वास्ट एरियाज ऑफ वेस्टर्न नॉर्दर्न अमेरिका इंक्रीजिंगली माइल्ड विंटर्स आर कोजिंग मैसिव आउटब्रेक ऑफ बार्क बीटल, ये हो गया ना, बार्क बीटल है, एंड दीज टाइनी क्रिएचर्स कैन किल द एंटायर फॉरेस्ट एज दे टनल देयर वे थ्रू द इनसाइड ऑफ द ट्रीज, कि ना ट्रीज के अंदर अंदर एक टनल बना लेते हैं, एक गुफा से बना लेते हैं, गुफा तो नहीं बोलेंगे, छोटी सी चीज जो होती है, फाइन। तो बीटल है आंसर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर, यू डोंट हैव टू वेस्ट योर मच टाइम, सो दैट इज बीटल। सो यानी कीवर्ड, फाइंड द लोकेशन, मैच द इंफॉर्मेशन, दैट्स व्हाट आई से। सो आवर फर्स्ट पैसेज इज डन, नेक्स्ट कम्स सेकेंड पैसेज। सेकेंड पैसेज इज वेल स्ट्रैंडिंग, तो इसके 17, ये क्या है, नो मोर देन 2 words करने आपको, कीवर्ड क्या है आपका, रिसर्चर टेक, आंसर क्या लेते हैं, मेन ये है आपका 14। अब फर्स्ट ऑब्वियसली 14 क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, उधर पैराग्राफ स्टार्टिंग में ही मिलेगा, तो आप स्टार्टिंग से देख लीजिए, रिसर्चर वॉज द कीवर्ड, तो ये रहा, अ टीम ऑफ रिसर्चर, तो अ टीम ऑफ रिसर्चर बिगिंस टू इन्वेस्टिगेट कलेक्टिंग स्किन सैंपल, कलेक्ट किया उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है स्किन सैंपल्स को कलेक्ट करके। इन्होंने क्या बोला है, वट डू रिसर्चर ऑफन टेक फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द व्हेल, तो यानी हमारा आंसर क्या है, स्किन सैंपल्स। सेकेंड, वट डू सम इंडस्ट्रीज एंड शिपिंग क्रिएट दैट इज हार्मफुल टू व्हेल, तो मेरा कीवर्ड क्या है, इंडस्ट्रीज एंड शिपिंग और हार्मफुल टू व्हेल, ओके, इंडस्ट्रीज एंड शिपिंग। इट इज नोन दैट नॉइस पॉल्यूशन फ्रॉम ऑफशोर इंडस्ट्री, शिपिंग एंड सोनार कैन इम्पेयर अंडर वाटर कम्युनिकेशन, बट इट कैन रियली ड्राइव व्हेल्स ऑन टू आर बीचेस, तो यानी वही चीज होगी, नॉइस पॉल्यूशन। उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में, व्हाट डू सम इंडस्ट्रीज क्रिएट दैट इज हार्मफुल टू व्हेल, तो यानी नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस भी आपका आंसर हो सकता है लेकिन पॉल्यूशन नहीं हो सकता आपका आंसर। कभी आप ये सोचो कि लास्ट वाला वर्ड लिख देते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन तो काफी सारे टाइप का है, वन स्पेसिफिक इज नॉइस पॉल्यूशन, तो नॉइस कैन बी द आंसर, नो मोर देन 2 words अगर एक वर्ड का लिखना चाहोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच जियोग्राफिकल रीजन मोस्ट वेल्स हैपन, मेरा कीवर्ड क्या है, ऑस्ट्रेलिया और मोस्ट, है ना, ये मेरे 2 कीवर्ड्स हैं, तो लेट्स फाइंड आउट, ऑस्ट्रेलिया,
कहाँ मिलेगा? वेयर इज ऑस्ट्रेलिया? नेक्स्ट अनदर पैसेज, बबल प्लॉसिबल सीम्स, ऑस्ट्रेलिया 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 ऑस्ट्रेलिया, ये रहा, सी दिस ऑस्ट्रेलिया। तो मेरा लोकेशन मेरे को मिल गया है ऑस्ट्रेलिया, इसके अकॉर्डिंग मेरे को आंसर फाइंड आउट करना है। एंड व्हेन 80% ऑफ ऑल ऑस्ट्रेलियन वेल स्ट्रैंडिंग अकर अराउंड टेस्मानिया गेल्स एंड हर टीम मस्ट कंटिन्यू, क्वेश्चन क्या है? इन विच, क्वेश्चन क्या है? इन विच जियोग्राफिकल रीजन डू मोस्ट, है ना, मोस्ट ज्यादातर होता है इन ऑस्ट्रेलिया। और इसके आंसर में क्या है कि 80% ऑफ ऑल ऑस्ट्रेलियन अकर अराउंड टेस्मानिया, है ना। फिर गेल्स तो आगे नाम है, गेल्स और उसकी टीम, यानी ये है ना अराउंड टेस्मानिया। तो हमारा आंसर इज अराउंड टेस्मानिया। ओके, सो नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ वेल वॉज सब्जेक्ट ऑफ अ स्टडी इन नॉर्थ सी? विच काइंड ऑफ वेल वॉज सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन नॉर्थ सी? नॉर्थ सी, सो लोकेशन फाइंड आउट कीजिएगा नॉर्थ सी की। नॉर्थ सी, आई डिडंट गेट इट हियर एज वेल। इसके बाद नेक्स्ट पैसेज नॉर्थ सी, नॉट एट ऑल। इसमें भी नॉर्थ सी नहीं है, आई गेस यस। देन कम्स दिस वन, नो। इसमें देखिए, अच्छा, दे कैन हैव ट्रेंड्स एंड ऑल, नॉर्थ सी इज दिस वन। सो ये है आपका लोकेशन, दिस इज योर लोकेशन नॉर्थ सी, राइट। सो अब क्वेश्चन देख लीजिएगा, लोकेशन आपको मिल गई है, देन द क्वेश्चन इज, ले लीजिए, विच काइंड ऑफ वेल वॉज सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन नॉर्थ सी, यानी नॉर्थ सी में किस टाइप की जो वेल है उसके ऊपर किया गया था। तो इन्होंने क्या लिखा है नॉर्थ सी से, इन 2005 अ सर्वे बाय क्लोज वेंसलो एंड क्लोज रिक्लेफ्स ऑफ स्पर्म वेल स्ट्रैंडिंग इन द नॉर्थ सी इवन फाउंड अ कोरिलेशन, यानी किसके ऊपर किया इन्होंने, इन्होंने किया है अ सर्वे बाय दिस ऑफ स्पर्म वेल, यानी वो सर्वे किसका था, स्पर्म वेल का। तो माई आंसर इज स्पर्म वेल। सो यानी बेसिक चीज है इंफॉर्मेशन मैचिंग, क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने के लिए फटाफट से कीवर्ड्स उठा लीजिए, लोकेशन फाइंड आउट की। तो नेक्स्ट कम्स लेबल द डायग्राम, 18-21 क्वेश्चंस आपके फिलअप्स हैं, वैसे हमें ये चीज भी करनी है, सो लेट्स फाइंड इट आउट। कुछ यहाँ से देख लेते हैं, ये है कोस्ट लाइन, यहाँ थंडर स्टॉर्म आ रही है और यहाँ डीपर ओशन है, कुछ सोनार वगैरह की बात है। कोस्ट लाइन पर बिकॉज ऑफ डैश डिसअपियर ऑन शैलो बीच, तो मेरा कीवर्ड क्या है, शैलो, शैलो बीच। वेल डोंट रियलाइज द बीच इज नियर, तो शैलो बीच जहां भी मिलेगा दैट विल बी द आंसर, नो। सेकेंड, शैलो बीच, नो। द थर्ड, इस पासेज में, नो। इस पासेज में शैलो बीच स्ट्रैंडिंग डेकेड्स, आपको क्विक रहना है, आपको ज्यादा वो नहीं करना कि नहीं मेरे को मिल नहीं रहा, इट्स ओके, लेकिन सिर्फ शैलो बीच अगर आपको मिल गया तो आंसर आपको मिल जाएगा, दिस इज द शैलो बीच। सो दिस इज अ लोकेशन, ये रहा शैलो बीच। तो अब हम देख लेते हैं क्या चीज है यहाँ पे, इसको पढ़ लेते हैं फुल पैसेज को। डेटा हैज सिंस रिवील दैट ऑल मास स्ट्रैंडिंग्स अराउंड ऑस्ट्रेलिया अकर ऑन अ जेंटली स्लोपिंग सैंडी बीचेस, सम विद द इंक्लाइंस ऑफ लेस देन 0.5 क्लिकिंग डिवाइस, रिजल्टिंग साउंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड इन एन इको, ट्रेवल बैक टू देम हाउएवर दीज जस्ट फेड आउट ऑन शैलो बीचेस, यानी फेड, कि ये ना फेड हो जाती हैं, फेड हो जाती है ऑन शैलो बीचेस। तो ये दीज क्या है, दीज का मतलब है साउंड वेव्स। सी फ्रॉम हियर, कि जैसे ये, कि जैसे ही वो स्विम करती हैं, दे मेक क्लिकिंग नॉइसेस एंड रिजल्टिंग साउंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड, कि साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं, राइट, और वो इको यानी गूंजना शुरू हो जाती है। लेकिन दीज जस्ट फेड, फेड यानी डिसअपियर हो जाती हैं, वही है ना हमारा आंसर, वही शायद हमें फाइंड आउट करना है। सी बिकॉज डैश डिसअपियर, डिसअपियर का मतलब फेड होना, सो यहां मैंने बोला है साउंड वेव्स। आई गेस आंसर इज क्लियर।
नेक्स्ट है एक्स्ट्रा इन द वॉटर अट्रैक्ट फिश देयरफॉर वेल टू साउथ अमेरिकन साउथ ऑस्ट्रेलियन कोस्ट साउथ ऑस्ट्रेलियन कोस्ट। इसमें मेरा कीवर्ड है साउथ ऑस्ट्रेलियन कोस्ट को डिसअपियर ऑस्ट्रेलियन कोस्ट ऑस्ट्रेलियन कोस्ट या मैंने मिला आई डिडंट गेट इट हियर ऑस्ट्रेलियन कोस्ट ऑस्ट्रेलियन सराउंडिंग मिला है क्लाइमेटिक कोस्ट ये रहा ऑस्ट्रेलिया कोस्ट राइट ये साउथ ऑस्ट्रेलियन कोस्ट मिल गया मेरे को। ईयर व्हेन स्ट्रॉन्गली वेस्टर्ली एंड साउदर्ली विंड्स ब्रिंग कूल वाटर रिच इन न्यूट्रिएंट्स क्लोजर टू ऑस्ट्रेलिया कोस्ट देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फिश कि जैसे ही ये क्या होती है ये जो हवाएं होती हैं वेस्टर्न वाली और साउथ वाली ये ठंडा पानी लेके आती है ठंडे पानी में क्या है न्यूट्रिएंट्स हैं तो यहाँ पर क्या है दैट इज देयर डैश रिच इन वाटर अट्रैक्ट फिश देयरफॉर वेल टू साउथ ऑस्ट्रेलियन कोस्ट रिच इन न्यूट्रिएंट्स रिच का मतलब क्या होता है फुल ऑफ योर रिच बहुत ज्यादा है ना रिच का मतलब वही होता है ना बहुत ज्यादा अगर आप रिच का मतलब ज्यादा है तो रिच यहाँ एक्स्ट्रा के तौर पे लिया गया है सो मैंने क्या लिखा कि एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स तो मेरा आंसर वहां से निकल गया है न्यूट्रिएंट्स। अगला देखिएगा स्टॉर्म्स क्रिएट डैश विच एब्जॉर्ब वेल्स क्लिक्स एंड स्टॉर्म These are my two keywords. Whale clicks. Larger one rise quickly to surface and while smaller one cold micro bubbles can last for days. It is these that absorb. It is these. ये है pronoun यानी इससे पहले जिसकी भी बात होगी These are the micro bubbles, right? So हमारा answer क्या है micro bubble? It is these. ये प्रनाउन और नाउन के बेस पे मिल गया मेरे को सो मेरा क्या आंसर है दैट क्रिएट माइक्रो बबल्स तो बबल्स। नेक्स्ट है सोनार मे रिजल्ट इन अ ब्लॉक्ड सप्लाई ऑफ डैश इन वेल बॉडीज सोनार फर्स्ट में नहीं सेकंड नो थर्ड सोना दिस इज देयर सो यहां मेरे को मिला है हाउ सोनार कैन किल सोनार मे रिजल्ट इन अ ब्लॉक्ड सप्लाई यानी ब्लॉक ऐसी क्या सप्लाई होती है कि वो व्हेल की बॉडीज में द नॉइज कैन सरप्राइज द एनिमल कोजिंग इट टू स्विम टू क्विकली दिस रिजल्ट इन डी कंप्रेशन सिकनेस अ हजार्ड ह्यूमन ड्राइवर्स नो ऑल वेल इफ अ ड्राइवर असेंट टू क्विकली व्हेल्स की बात नहीं करा गैस डिजोल्व यहाँ देखिए इफ अ डाइवर असेंट्स टू क्विकली फ्रॉम अ हाई प्रेशर अंडर वॉटर एनवायरमेंट टू अ लो प्रेशर वन गैसेज डिजोल्व इन ब्लड एंड टिश्यू एक्सपैंड एंड फॉर्म बबल दिस बबल ब्लॉक द फ्लो ऑफ ब्लड कैन लीड टू तो फ्लो किसका ब्लॉक कर रहा है ब्लड का ना सो आपका आंसर है मे रिजल्ट इन अ ब्लॉक्ड सप्लाई ऑफ ब्लड सो आर आंसर इज ब्लड एंड दैट्स इट दिस इज द वे वी हैव डन दिस वन वही है पर्टिकुलर रूल ऑफ थंब लोकेशन फाइंड आउट कीजिए कीवर्ड्स मैच करके एंड आंसर इट नेक्स्ट कम्स ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। अच्छा इन क्वेश्चंस के लिए मैंने आपके साथ ना एक वीडियो शेयर की थी है ना क्या था उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था ट्रू प्लस ट्रू इज इक्वल अच्छा नॉट गिवन के लिए क्या था रूल ट्रू प्लस नॉट गिवन इज इक्वल टू नॉट गिवन एंड फॉल्स प्लस नॉट गिवन इज इक्वल टू फॉल्स सो ये था मैंने स्ट्रैटेजी शेयर की थी आपके साथ और मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चंस को टू पार्ट्स में डिवाइड कीजिए लोकेशन फाइंड आउट कीजिए एंड यस ट्रस्ट मी यू विल गेट योर आंसर्स इन लेस टाइम सो लेट्स अगेन अप्लाई दैट ट्रिक हियर एज वेल ओके सो यहाँ बोल रहा है 22 टू 26 ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एन ऑल इसमें डिवाइड कर लीजिएगा है ना दिस
एंड दिस सेकंड फर्स्ट पार्ट में कीवर्ड है पेलागोस इंस्टीट्यूट, रिसर्च ऑफ पेलागोस इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहले फाइंड आउट द लोकेशन, फर्स्ट से शुरू करते हैं पेलागोस इंस्टीट्यूट। ओके ये मेरे को द एम ऑफ रिसर्च बाय पेलागोस इंस्टीट्यूट इन 1998 ये मिला आपको, लेकिन एम नहीं मिला ना उसका, वॉज टू प्रूव दैट द सोनार वॉज नेवी सोनार वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेल स्ट्रैंडिंग, है ना। सी दिस ईयर किन्होंने ना एक रिसर्च को कैरी आउट करी है कि वो तो किसके बारे में है, उन्होंने वेल स्ट्रैंडिंग को क्या किया, लो फ्रीक्वेंसी टेस्ट के साथ लिंक किया है। ओके आगे कोई प्रूफ वगैरह की बात नहीं कर रखी, इट हैड बीन टेस्टिंग न्यू सोनार टेक्नोलॉजी इन द सेम एरिया एंड ऑल वेरी फाइन, दे रिकॉर्डेड द स्ट्रैंडिंग ऑफ 10 बीट वेल्स एंड ऑल। तो नेवी की बात की उन्होंने, और क्या इसका एम दे रखा है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का, है ना, इस इंस्टीट्यूट की स्टडी का एम नहीं दे रखा उन्होंने, है ना, ना तो एम दे रखा है और ना ही नेवी सोनार दे रखा है, वहां तो कोई टेस्ट्स वगैरह की बात कर रहा है वो, दैट इज ऑल्सो नॉट गिवन। तो मेरा जो फर्स्ट आंसर है दैट इज नॉट गिवन प्लस नॉट गिवन इज इक्वल टू नॉट गिवन। सेकेंड देखिए फटाफट से, द वेल स्ट्रैंडिंग इन ग्रीस वर फाउंड एट लार्ज पॉइंट्स अलोंग द कोस्ट, तो मेरा कीवर्ड क्या है ग्रीस, लेट्स फाइंड द लोकेशन, दिस इज देयर। आप पता करते हैं टिपिकली दे ऑल वॉश अशोर टूगेदर बट इन मास अ टिपिकल स्ट्रैंडिंग सच एज इन ग्रीस द वेल डोंट स्ट्रैंड एज अ ग्रुप दे आर स्कैटर्ड ओवर अ लार्ज एरिया, है ना, कि वो ना ग्रुप में स्ट्रैंड नहीं करती, वो स्कैटर्ड के यानी फैली रहती है। अब आपका क्वेश्चन क्या है, कहते हैं द वेल स्ट्रैंडेड इन ग्रीस वर फाउंड एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द कोस्ट, डिफरेंट पॉइंट्स यानी शैटर्ड थी, यहाँ थोड़ा सा सिनोनिम मेरे को मिल गया है, सो यहाँ से है कि वो ग्रुप में नहीं थी, है ना, वो क्या थी एट डिफरेंट पॉइंट्स पे थी, दे आर स्कैटर्ड ओवर अ लार्जर एरिया यानी कोस्ट पर फैली हुई थी। सो मेरे को ये भी मिला दैट इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड माई आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट रोजमेरी गेल्स हैज क्वेश्चन द रिसर्च टेक्निक्स यूज्ड बाय ग्रीक साइंटिस्ट, तो रोजमेरी गेल्स हैड क्वेश्चंस द रिसर्च टेक्निक्स यूज्ड बाय ग्रीक साइंटिस्ट्स। सो लेट्स फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द रोजमेरी, वेयर इज रोजमेरी, ओके हियर आई फाइंड अनदर इज रोजमेरी गेल्स अ लीडिंग एक्सपर्ट ऑन वेल स्ट्रैंडिंग, she says sonar technology cannot always be blamed for mass trending। question आपका बोल रहा है rosemary ने question किया था the research techniques used by greek, आपको ये मिला question नहीं ना, तो that is not given। plus क्या आपको ये मिला कि greek scientist ने जो भी techniques use की थी उन्होंने नहीं मिला है, that is also not fine। तो मेरा जो answer है that is not given, क्योंकि मेरे को यहाँ पर उसने ग्रीक साइंटिस्ट्स वगैरह की बात करी है, उसने तो सिर्फ ये बोला है कि सोनार टेक्नोलॉजी को आप ब्लेम नहीं कर सकते। वेरी फाइन आंसर इज पार्ट क्लियर। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गेल्स वेल्स आर लाइकली फर्स्ट पार्ट टू ट्राई टू हेल्प अनदर वेल इन ट्रबल, अब जहां गेल्स की बात हुई थी वही आंसर मिलने वाला है, गेल्स की बात आपकी यहां हुई थी तो फाइन। यहाँ देख लेते हैं, वेन एनिमल्स बीच नेक्स्ट टू ईच अदर एट द सेम टाइम द मोस्ट कॉमन कोज हैज नथिंग टू डू विद ह्यूमंस एट ऑल, दे आर हाईली सोशल क्रिएचर सेज गेल्स, वेन दे मास स्ट्रैंड इट्स कंप्लीटली पैनिक एंड केओस, ओके इफ वन ऑफ द ग्रुप स्ट्रैंड एंड साउंड्स द अलार्म अदर विल ट्राई टू स्विम टू एड, मेरे को वैसे तो आंसर यहाँ से मिल गया कि दे विल ट्राई एंड दे विल स्विम टू, दे विल ट्राई टू एड कि दे विल स्विम ट्राई टू, है ना, मिल गया ना आपको ये ट्राई टू एड विल, इट मीन्स दैट इज लाइकली टू का सिनोनिम है, इट इज लाइकली यानी इट विल हैपन, वेरी फाइन इट इज लाइकली टू रेन। सो इस तरीके से आपको ये आंसर एज इट इज मिल गया है, तो आपका आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट इज देयर इज नाउ एग्रीमेंट अमंग साइंटिस्ट दैट चेंज इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड्स कॉन्ट्रीब्यूट टू वेल स्ट्रेंथिंग, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी नहीं है, नॉट हियर,
अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. ओ आई गॉट इट हियर. सो हियर इज आर लोकेशन. अब इसको पढ़ लेते हैं. उन्होंने क्या बोला है कि एक सर्वे बाय क्लोज वेंसलो एंड क्लोक रिक्लिफ्स ऑफ स्पर्म वेल स्ट्रैंडिंग इन द नॉर्थ सी इवन फाउंड अ कोरिलेशन बिटवीन दीज एंड द सन स्पॉट साइकिल एंड सजेस्टेड दैट द चेंज इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड माइट बी इन्वॉल्व. हो सकता है बट अदर आर स्केप्टिकल. दूसरे क्या है लेकिन दूसरे स्केप्टिकल हैं. स्टेटमेंट फर्स्ट पार्ट इज फॉल्स सेकेंड पार्ट इज ट्रू. तो फॉल्स प्लस ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स. दैट इज योर आंसर. सो दिस इज द वे यू डू योर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. अगेन आई हैव शेयर्ड दिस टिप विद यू. और अगर आपको दोबारा अच्छे से समझनी है सो देर इज अनदर वीडियो ऑन रीडिंग मॉड्यूल अबाउट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. वहाँ डिटेल में समझा रखा है, आप उसको अच्छे से समझ सकते हो. यू कैन वॉच दैट वीडियो अगेन. सो फाइन, अब फटाफट से दूसरी कर लेते हैं. नेक्स्ट कम्स एमसीक्यूज. एमसीक्यूज के लिए भी मैं वही सजेस्ट करने वाली हूँ कि मार्क द कीवर्ड, फाइंड द लोकेशन एंड एनालाइज द आंसर. सो लेट्स स्टार्ट फास्ट. सो 27 क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट डज द राइटर स्टेट अबाउट आईएसएस इन द फर्स्ट पैराग्राफ. यानी हमारा जो आंसर है फर्स्ट पैराग्राफ में मिलने वाला है ना. अब फर्स्ट है, इट्स मैन्युफैक्चर हैज रिमेन विद इन द प्रपोज्ड बजट. इसकी जो मैन्युफैक्चर है वो प्रपोज्ड बजट में रही है. लेट्स रीड इट फास्ट. फर्स्ट पैसेज, नियर लेबोरेटरी इन लो अर्थ ऑर्बिट दिस वाज नेचुरल सोल्ड आउट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टू द यूएस. टुडे नो वन कैन डाउट द एजेंसी टेक्नोलॉजिकल एम्बिशन. द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इंजीनियर प्रोजेक्ट एवर has created an enormous set of interlinked module that orbit 27 per hour. It might be traveling fast, but say critic, as a lab it is going nowhere. So far it has gone through 150 billion. तो यानी जो options हैं उनमें जो keywords हैं ना उसके बेस पे हम वो eliminate करने वाले हैं. Got it? एक तो location find out करनी है plus वहाँ जो keywords हैं. So let's start. हमारा first option क्या है? Manufacture proposed budget. फटाफट पढ़ लीजिए. मैन्युफैक्चर प्रपोज्ड बजट. ओके, कहीं भी इस पूरे पैसेज में नहीं बात करी मैन्युफैक्चर प्रपोज्ड बजट कहीं की भी. एंड में पता क्या बोल रहा है, इट हैज गोन थ्रू 150 बिलियन. और ये पता क्या बोल रहा है, वैसे तो एलिमिनेट खुद ही हो गया. कहता है यह रिमेन विद इन द प्रपोज्ड बजट. वैसे तो बजट बताया नहीं आपको, वो तो 150 बिलियन क्रॉस कर चुका है, तो यानी हो चुका है, वो विद इन नहीं है, एक्सीड कर चुका है. तो फर्स्ट इज एलिमिनेटेड. सेकेंड का कीवर्ड देखिए, देर इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी. दिस इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट. यहाँ देखिए, अच्छा दैट वॉज हाउ दिस एजेंसी ने किया है टू द यूएस कांग्रेस इन 2001. नो वरीज, अगर आपको नहीं आते कोई मीनिंग समझ. टूडे नो वन कैन डाउट द एजेंसी टेक्नोलॉजिकल एम्बिशन. द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट एवर अटेम्प्टेड. यानी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है जो हो चुका है. राइट, ये है. इट मीन्स इट इज अ गुड. ये हो सकता है. बात क्या है, देर आर डाउट्स अबाउट स्पीड के बारे में. डाउट्स है, पैसेज को देखो. अच्छा, क्या आपके पास डाउट्स लग रहे हैं इसमें. इट माइट बी ट्रैवलिंग फास्ट. कि हाँ भाई ये ट्रैवल फास्ट कर रहा है, डाउट तो नहीं है ना. एज अ लैब इट इज गोइंग नो वेयर. लेकिन लैब के तौर पर इसका कोई फ्यूचर नहीं है. यानी स्पीड तो फास्ट है, देर इज नो डाउट. तो वो भी एलिमिनेट हो गया. नासा शुड हैव डिस्क्राइब्ड इट्स पर्पस. कहीं पर्पस की बात नहीं कर रखी नासा ने. दैट्स वेरी फाइन. तो हमारा आंसर इज बी. यानी ऑप्शंस के कीवर्ड्स के बेस पे आप उन्हें एलिमिनेट करने वाले हो. 28 फटाफट से, सतोशी इवासेस एक्सपेरिमेंटल मशीन एक्सरसाइज इक्विपमेंट कमीशन बाय नासा लो ग्रेविटी एनवायरमेंट एंड बेनिफिट्स दैट डिड नॉट एंटिसिपेट. तो पहले इसकी लोकेशन ढूंढ लेते हैं. सतोशी इवासेस एक्सपेरिमेंट, यहाँ तो एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है. मशीन एक्सपेरिमेंट मशीन. यस, हियर इज मशीन.
सी दिस, वो कहता है ही लीड्स अ टीम डिजाइनिंग अ सेंट्रीफ्यूज फॉर ह्यूमर। सपोज करो मेरे को नहीं पता, तो देर इज नो प्रॉब्लम, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो इन देयर प्रीलिमिनरी डिजाइन, उनके सबसे पहले डिजाइन में एस्ट्रोनॉट इज ट्रैप्ड इनटू अ सीट ऑफ अ मशीन दैट रिजेंबल्स एन एक्सरसाइज। आपको कीवर्ड इसका मिल गया, कन्वेंशनल एक्सरसाइज इक्विपमेंट, आंसर ये मिल चुका है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, कमीशन बाय नासा, क्या ये नासा ने कमीशन करा है? आई डोंट फील, कहीं भी नहीं है, है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखो, इट इज डिजाइन ओनली टू वर्क इन लो ग्रेविटी एनवायरमेंट, इट इज डिजाइंड ओनली लो ग्रेविटी एनवायरमेंट। ये लो ग्रेविटी एनवायरमेंट भी नहीं दे रखा है इसमें, दैट इज व्हाई ये आपका आंसर नहीं है। ओके नेक्स्ट फटाफट से 29, द राइटर रेफर्स टू द हबल स्पेस टेलीस्कोप, ये है आपका मेन। सो व्हाई इन्वेस्टमेंट हैज डिक्रीज्ड, ये है आपका कीवर्ड। सेकंड का है प्रमोट ISS इन पॉजिटिव वे, एक्सप्लेन इस HUBBLE हबल स्पेस टेलीस्कोप। हियर आई गॉट हबल स्पेस टेलीस्कोप मीन वाइल हैज प्रोड्यूस्ड मोर देन दिस येट इट कॉस्ट्स। ओके तो वेरी फाइन, यहाँ बात हुई है ना हबल स्पेस की, तो ऑफकोर्स मेरे को यहाँ मिल गया है लोकेशन। They refer to Hubble Space Telescope in order to, किसके लिए कहता है, why investment in space technology has decreased, highlight the need to promote the ISS in a positive way, explain which kind of projects are most likely। तो इसको पढ़ना पड़ेगा मेरे को, है ना। कहते हैं NASA has already begun to take action, hiring management consultant ProOrbis to develop a plan to cut through the bureaucracy, Congress also directed NASA to hire an independent organization, द सेंटर फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द साइंस स्पेस टू हेल्प द मैनेज US लैब फैसिलिटी। यहाँ तक तो बात नहीं करा। वन ऑफ CASIS रोल इज टू कन्विंस पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टर्स दैट साइंस ऑन द स्टेशन इज वर्थ द स्पेंड, बिकॉज जस्ट सोलली बाय द नंबर ऑफ पेपर पब्लिश द ISS सर्टेनली सीम्स पुअर वैल्यू, रिसर्च ऑन द स्टेशन हैज जनरेटेड इतने पेपर्स सिंस 1990, हबल स्पेस टेलीस्कोप मीनवाइल हैज प्रोड्यूस्ड इतना, येट इट्स कॉस्ट less than the 1/5 of the price of the space station। okay question kya bol raha hai, why investment in space decreased। ab meko samajh nahi aa raha, literally meko science wale passes se samajh nahi aate, even I don't try to understand them। to main kya karti hu, just information ko match karke eliminate kar leti hu। maine even iska bhi meaning samajhne ki koshish hi nahi kari hai ki what the passes hubble space hai kya ye cheez। सो यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट दैट, कि उसने बोला है स्पेस में डिक्रीज हो चुका है, तो उसने क्या इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुई की बात करी स्पेसेस में? नहीं ना, वो तो ये बोल रहा है कि इट इज वर्थ स्पेंडिंग, इसमें डिक्रीज की बात नहीं हो रखी। प्रमोट ISS इन अ पॉजिटिव वे, एक्सप्लेन विच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आर मोर लाइकली टू रिसीव फंडिंग, जस्टिफाई द टाइम रिक्वायर्ड टू स्पेस प्रोजेक्ट टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स। टाइम की बात भी नहीं करी इस पैसेज में उसने, ऑलराइट, तो टाइम वाला भी खत्म हो गया, क्रॉस्ड। काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स भी नहीं बताए, क्रॉस्ड। तो हमारा आंसर इज हाईलाइट द नीड टू प्रमोट ISS इन अ पॉजिटिव वे। उसने ना ये बोला है कि इट इज वर्थ स्पेंडिंग, मेरे को वहीं से मिल गया था आंसर, वहीं से मिल गया था कि साइंस ऑन द स्टेशन इज वर्थ द स्पेंड। ओके, कि सिर्फ आपको नंबर ऑफ पेपर पब्लिश हुए हैं उसके बेस पे नहीं आपको जज करना है इसको। यहाँ पर आंसर ना तो उसने डिक्रीज इन्वेस्टमेंट डिक्रीज इसकी बात नहीं करी, की भी बात नहीं करी, टाइम की बात नहीं करी। सो यू डोंट हैव टू वरी कि आपको समझ नहीं आ रहा, कीवर्ड्स के बेस पे एलिमिनेट कर दीजिए। नेक्स्ट है 30th क्वेश्चन, इन द 6th पैराग्राफ वी आर टोल्ड दैट CASI रिजेक्टेड सर्टेन एप्लीकेशंस, एक्सप्रेस्ड कंसर्न प्रोडक्ट, क्वेश्चन द बेनिफिट्स, कीवर्ड्स के बेस पे मैं उसको मार्क करने वाली हूँ, इन्वाइटेड रिसर्चर्स टू सजेस्ट हेल्थ बेस्ड प्रोजेक्ट्स। तो लेट्स फाइंड आउट द लोकेशन CASIS, लोकेशन 6th पैराग्राफ,
दिस इज फर्स्ट सेकेंड नाउ दिस वन इज योर फिफ्थ एंड दिस वन इज योर सिक्स्थ यानी सिक्स्थ इसमें मेरे को ये लोकेशन मिलने वाली है सी ए कि उन्होंने क्या किया उन्होंने एग्जामिन किया 100 प्रीवियस माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट इट हैज़ ऑप्टेड टू फोकस ऑन लाइफ साइंस एंड मेडिकल रिसर्च एंड रिसेंटली कोल्ड फॉर प्रपोजल्स फॉर एक्सपेरिमेंट्स ऑन मसल वेस्ट ये सारा इम्यून सिस्टम ये सारा किसका पार्ट है हेल्थ का मेरे को ना ध्यान है वहाँ पे हेल्थ के बारे में कुछ बात हो रही थी क्या उसने रिजेक्ट करी है एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं ना उसने तो इन्वाइट की थी दैट इज कंसर्न टेस्टिंग प्रोडक्ट्स यूज्ड फॉर प्रॉफिट्स कंसर्न दिखाई है इसने कोई नहीं दिखाई प्रॉफिट वगैरह के लिए कंसर्न नहीं दिखाई है इसने तो मेंटेन किया है मेंटेन का मतलब इसने सपोर्ट किया है कि आईएसएस को प्रॉफिट के लिए काम करना चाहिए अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं तो दैट इज ऑल्सो एलिमिनेटेड रिसर्चर टू सर्टेन सजेस्ट सर्टेन हेल्थ प्रोजेक्ट्स दैट इज योर आंसर इसके बाद मैं फिर बस इन कीवर्ड्स के ऊपर एलिमिनेट करती रिजेक्ट नहीं किया कंसर्न नहीं दिखाई क्योंकि उसने तो उसको मेंटेन किया है क्वेश्चन द बेनिफिट्स क्या उसने क्वेश्चन किए हैं बेनिफिट्स ऑफ द सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स उसने बेनिफिट आईएसएस के नहीं किए हैं उसने ये बताया है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन इज वाइटल यानी उसने क्वेश्चन नहीं किया ऑलराइट तो कीवर्ड के बेस पे एमसीक्यूज में क्या है स्ट्रेटजी आपको मिली कीवर्ड के बेस पे आप एलिमिनेट कर दीजिए एंड दैट्स इट जैसे रिजेक्ट यहाँ पर अब मैं दोबारा से रिवाइंड करती हूँ यहाँ पर मैंने एलिमिनेट किया था मैन्युफैक्चर प्रपोज्ड बजट नहीं दे रखा था डाउट्स नहीं दिए थे प्लस नासा को कोई पर्पज नहीं दे रखा था वहां दे रखा था ग्रेट एग्जाम्पल टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट फाइन तो मेरा बचा वो आंसर था लोकेशन मैंने सेकंड वाले की फाइंड आउट करी थी सतोशी इवासे एक्सपेरिमेंट मशीन तो मशीन का कमीशन बाय नासा नहीं किया था लो ग्रेविटी एनवायरमेंट दे नहीं रखा था बेनिफिट इसकी बात नहीं हुई तो आंसर हमारा वहां से मिल गया था एक मशीन उसने बोला था एक पैडलिंग मशीन बेस पे एलिमिनेट करते हो इन कीवर्ड्स के बेस पे यू एलिमिनेट और ट्रस्ट मी मुझे इस पैसेज में अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया स्टिल आई एम फाइंडिंग आउट माय आंसर्स राइट अगला देखिए अच्छा अगले क्वेश्चन टाइप है इन्फॉर्मेशन मैचिंग इन्फॉर्मेशन मैचिंग के लिए मैं क्या करती हूँ मैं यहाँ पर फोकस नहीं करती आईएसएस एंड ऑल क्योंकि ये जो है लिस्ट ऑफ पीपल दे रखा है इन्होंने क्या बोला वो देना है आपको तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं लॉरेंस योंग राइट इसका नाम है लॉरेंस योंग जहां भी उसने लॉरेंस योंग की बात करी होगी हम वहां फाइंड आउट कर लेते हैं सतोशी वगैरह दे रखा था यहाँ मैंने पढ़ा था सो यहाँ नहीं है लॉरेंस योंग ने ये बोला है तो अब लॉरेंस योंग ने यहाँ से बोली है स्टेटमेंट The only way to test this is in weightlessness. The only time we have to do that is on the space station. यानी space station में ही कर पाएंगे आप वैसे पढ़ लेते अगर could be tested for long enough to prove whether they were effective. It has been calculated that to properly assess a centrifuge impact on human physiology की use का कि इन मशीन्स का इम्पैक्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी पर करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को 30 मिनट्स अ डे वो राइड करना पड़ेगा द ओनली वे टू टेस्ट इज इन वेटलेसनेस कहाँ होती है जहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती राइट और ये आप स्पेस स्टेशन में ही कर सकते हैं तो फाइन ये बोला था लॉरेंस ने द आईएसएस शुड बी अवेलेबल फॉर द बिजनेस रिलेटेड वेंचर देयर इज जनरल इग्नोरेंस द प्रोसेस The properly assess new space technology, there has to be absence of gravity. So fine. मेरा आंसर ये लॉरेंस तो फाइन हमारा ये आंसर इज ए इसके बाद देखो ऑथर्स ऑफ यूएस नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस ये रहा ऑथर्स ऑफ यूएस सी दिस यूएस नेशनल अकेडमी साइंस इट्स ऑथर सेड ओके यहाँ बात करेंगे इन ऑथर्स ने जो भी बोला है वो यहाँ बात हुई है फाइन तो यहाँ से देख लेते हैं आईएसएस शुड बी अवेलेबल फॉर बिजनेस रिलेटेड वेंचर देर इज जनरल इग्नोरेंस द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एक्सेप्टेड प्रोजेक्ट शुड बी स्पीडेड अप सम अचीवमेंट्स आर अंडर रेटेड इन्होंने क्या बोला है दे वर डीपली कंसर्न अबाउट द स्टेट ऑफ नासा साइंस रिसर्च मेड अ नंबर ऑफ रिकमेंडेशन
Besides suggesting that the agency reduce the time between approving experiment and sending them, it also recommend setting. दो की है ना, एक तो टाइम रिड्यूस करना है ना, टाइम से रिड्यूस करना है, और दूसरा एक क्लियर रिसर्च प्रायोरिटीज रखनी है अपनी. स्पीड से रिलेट कुछ था यहाँ पे. ISS should be, ये तो नहीं है. काइंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एक्सेप्टेड प्रोजेक्ट ऑन टू द ISS शुड बी स्पीडेड अप. वही है स्पीड. जब आप टाइम रिड्यूस कर देते हो तो दैट इज द स्पीड. तो यहाँ से आपको आंसर मिल गया. एक्सेप्टेड अप्रूविंग द एक्सपेरिमेंट्स है ना, अप्रूव करना यानी एक्सेप्ट करना एक्सपेरिमेंट. तो टाइम रिड्यूस होना चाहिए. रिड्यूस द टाइम बिटवीन अप्रूविंग एक्सपेरिमेंट्स एंड सेंडिंग देम टू द स्पेस. वैसे ये वाली स्टेटमेंट बोली है. बी नेक्स्ट कम्स मार्क यूहरान. मार्क फटाफट से मेरे को यहाँ मिला था. मार्क यूहरान की बात यहाँ हो रखी है. ओके तो उसने क्या क्या बोला है. मार्क यूहरान असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर रिफ्यूट द क्रिटिक्स. ने ना ये चीज को मना किया है कि उसने स्टेशन अभी तक तो कुछ नहीं किया है. ही पॉइंट्स द प्रोग्रेस मेड ऑन सेल्मोनेला वैक्सीन. यानी उसने सेल्मोनेला वैक्सीन की प्रोग्रेस की बताई है. ओके ये मिल रहा था मेरे को. ऑफ ISS आर अंडर रेटेड है ना. लोग ये बोल रहे हैं, देखो क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि स्टेशन ने कुछ नहीं किया, लेकिन वो बोलता है कि उसने ये प्रोग्रेस करी है. यानी अंडर रेटेड है ना, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे उसकी प्रोग्रेस को, उसकी अचीवमेंट को. तो आपका ये जो 34 आंसर है दैट इज सी. सी मतलब मार्क यूहरान ने बोला ये. ओके ओके सो नेक्स्ट जेन डी फ्रेंस्को. जेन डी फ्रेंस्को ढूंढ लेते कहां पर मिलेंगे. दिस इज हियर डी फ्रेंसिस्को. फ्रेंसिस्को ऑल राइट. तो जेनी डी फ्रेंसिस्को इन्होंने क्या बोला है. द स्टेशन नीड टू अट्रैक्ट कटिंग एज रिसर्च येट मैनी साइंटिस्ट सीम टू हैव लिटल आइडिया वट गोज ऑन अबाउट इट. जेनी डेंस फ्रेंसिस्को कंडक्टेड मोर देन 200 इंटरव्यू विद द पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद पोटेंशियल इंटरेस्ट इन लो ग्रेविटी. सम वर अवेयर बट सम डिंट नो. कि कुछ को पता था और कुछ को नहीं पता था. अदर्स नो दे नहीं पता था विच काइंड ऑफ साइंस इट. यानी कुछ को पता था कुछ को नहीं पता था, समथिंग लाइक दैट. किसी रिसर्च के बारे में बोल रही हूँ. मुझे ये पैसेज लिटरली समझ नहीं आया कि इसमें क्या बोल रखा है. साइंस से रिलेट है, मुझे साइंस समझ नहीं आती लिटरली. तो यहाँ क्या बोल रखा है. देर इज जनरल इग्नोरेंस विच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आर पॉसिबल. ISS शुड बी अवेलेबल. बिजनेस रिलेटेड उस बंदी ने बात नहीं करी हुई, लेकिन उसने बताया जनरल इग्नोरेंस है विच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट. वो क्या बोल रहा है, कहते हैं दे डिंट नो व्हाट्स गोइंग अप ऑन देयर. कि नहीं पता, यानी व्हेन यू आर इग्नोरेंट तो आपको नहीं पता होता राइट. तो आपका आंसर इज दिस वन. देर इज जनरल इग्नोरेंस. ये किसने बोला है, जेन डेंस फ्रांसिस्को. यानी आंसर इज डी. नेक्स्ट है ISS शुड बी अवेलेबल फॉर बिजनेस रिलेटेड वेंचर्स. बिजनेस रिलेटेड वेंचर्स. बिजनेस रिलेटेड वेंचर्स. यहाँ ना मेरे को यहां से पता चला था जब मैंने वहां देखा था कि कुछ वाइटल वगैरह की बात कर रहा है. ये देखो यूहरान ने बोला है. क्या बोल रहा है यूहरान ने, कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो मेंटेन दैट ISS शुड बी यूज टू डिवेलप प्रोडक्ट विद कमर्शियल एप्लीकेशन एंड टू टेस्ट दोज दैट आर इधर क्लोज टू और ऑलरेडी ऑन द मार्केट. इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आउटसाइड इज दिस. द ISS शुड बी अवेलेबल फॉर बिजनेस रिलेटेड एडवेंचर्स. यहां है द ISS should be used to develop product with commercial application. तो ये सारी चीजें किसने बोली हैं, यूहरान ने. कमर्शियल क्या होती हैं, कमर्शियल प्रोडक्ट्स, कमर्शियल वेंचर्स वही होते हैं बिजनेस रिलेटेड वेंचर्स है ना, उस पर काम करना चाहिए. तो ये आपका आंसर मिला है मार्क यूहरान यानी सी. देखो इन टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए दो पॉसिबिलिटीज रहती हैं. एक तो आप ऑथर का नाम
फाइंड आउट कर लीजिए, लोकेशन फाइंड आउट कर लीजिए और उसने जो बोला है इनके साथ मैच कर दीजिए। या फिर देर इज सेकेंड स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप ये चीजें फाइंड आउट कर लीजिए, वही जो मैंने आपको बोला था कि मार्क द कीवर्ड, फाइंड द लोकेशन, एनालाइज द आंसर। ओके, सो वेरी फाइन, ये आपके ऊपर है एटलीस्ट। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नेक्स्ट कम्स दिस टाइप ऑफ 36 to 39, दीज आर हियर। कंप्लीट द समरी यूजिंग द लिस्ट ऑफ वर्ड ए टू एच वर्ड दे रखे हैं इनमें से, वो फाइंड आउट करना है राइट इसमें से। अकॉर्डिंग टू एलन स्टर्न, लोकेशन देख लेते हैं एलन स्टर्न कहाँ बोला था। एलन स्टर्न ये रहा, अकॉर्डिंग टू एलन स्टर्न, यानी आपके जो सारे आंसर हैं वो इस पैसेज में मिलने वाले हैं। ओके, साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू एलन स्टर्न प्लानिटरी साइंटिस्ट, द बिगेस्ट पब्लिक रिलेशन बूस्ट द ISS मे कम फ्रॉम द प्राइवेटली फंडेड स्पेस फ्लाइट इंडस्ट्री दिस दैट। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एलन स्टर्न प्राइवेट स्पेस कंपनी कुड अफेक्ट द फ्यूचर ऑफ ISS. He believes that they could change its image firstly because sending food and equipment there would be more. Keywords, food and equipment. Sending food and equipment. So, जहां भी एलन ने फूड एंड इक्विपमेंट की बात करी होगी कंपनी, when it comes to resupplying, it can reduce launch cost by 2/3. रीसप्लाई करना, देखो रीसप्लाई क्या करोगे आप वहां पे, एक तो वहां एस्ट्रोनॉट्स को फूड देने वाले हो प्लस इक्विपमेंट देने वाले हो, तो रीसप्लाइंग वुड बी, यहाँ मिल गया था मेरे को प्राइवेट कंपनी, यहाँ प्राइवेट फंडेड इंडस्ट्री कंपनीज लाइक SpaceX कुड हेल्प NASA एंड इट्स पार्टनर व्हेन इट कम्स टू रीसप्लाइंग द US एज इट सजेस्ट दैट इट कैन रिड्यूस द लॉन्च, यानी ये कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा। वेरी फाइन, तो आपका आंसर इसी में से मिल रहा है कि ये कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा, तो आप इसमें से देख लेते हैं। सेफ, कंपेटिटिव, फ्लेक्सिबल, रियल, रैपिड, रेगुलर, सुटेबल, इकोनॉमिकल। वैसे जब कॉस्ट नहीं लगती तो दैट इज इकोनॉमिकल। अगर आपको सिनोनिम पता है तो आंसर इज एच। इफ अ कमर्शियल क्राफ्ट वर यूज्ड, एंड सेकेंडली बिकॉज कमर्शियल फ्लाइट्स माइट टेक द होल आइडिया ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन सीम डैश टू द ऑर्डिनरी पीपल और स्पेस एक्सप्लोरेशन, कमर्शियल फ्लाइट्स, ऑर्डिनरी पीपल, वो ये मार्क द कीवर्ड एंड फाइंड द लोकेशन। ऑर्डिनरी लोग क्या होते हैं, कॉमन मैन होता है या पब्लिक होती है, दे माइट नॉट कम क्लोज टू ISS, दे विल रिवोल्यूशनाइज द वे वी द पब्लिक सी द स्पेस, सून एवरीवन विल बी ड्रीमिंग ऑफ इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल। अगर हर कोई ड्रीम लेगा, जब आप ड्रीम हर कोई करता है यानी हर कोई कर सकता है। ओके, सो यहाँ पर क्या आंसर है कि क्वेश्चन है द होल आइडिया ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन सीम डैश टू ऑर्डिनरी पीपल, हर कोई करेगा, ड्रीम करेगा उसको, तो सेफ नहीं बन सकता, कंपेटिटिव फ्लेक्सिबल नहीं बन सकता, रैपिड रेगुलर रियल बन सकता है ना। आपका ड्रीम है कि आपको रिच बनना है तो दैट कैन बी द रियलिटी, क्योंकि हर कोई जब कोई चीज को करता है ना दैट बिकम्स द रियलिटी, इसलिए मेरा आंसर क्या है डी। नेक्स्ट, अनदर पॉइंट इज दैट द डिमांड ऑफ स्पेस फ्लाइट इंक्रीजेस, देयर इज अ चांस ऑफ देम बिकमिंग मोर, डिमांड बढ़ेगी। More importantly, scientists are already queuing for the seats as these low gravity space so that they can collect during a flu. This demand mil gaya. This demand for low case could eventually lead to a service running on a more frequent basis. Yani frequent hoga. Frequent. This demand frequent basis pe. Jisse service kya hai? Frequent basis pe hogi. To frequent kuch mil raha hai aapko. फ्रीक्वेंट का सिनोनिम क्या हो सकता है, सेफ नहीं हो सकता, रैपिड नहीं हो सकता, कंपेटिटिव फ्लेक्सिबल रियल हो चुका है, रेगुलर हो सकता है ना। जैसे अगर आपको याद हो फ्रीक्वेंट बस सर्विस इज अवेलेबल इन माई लोकल एरिया, इसका मतलब है रेगुलरली बसेज आती जाती रहती हैं, तो आंसर इज एफ। नेक्स्ट कम्स 39, बाय वर्किंग ऑन अ कमर्शियल फ्लाइट फर्स्ट साइंटिस्ट वुड बी मोर डैश इफ एन ISS पोजिशन केम अप। साइंटिस्ट क्या करेंगे,
giving researchers the chance to test their ideas before submitting a proposal. यानी वो अपना आइडिया टेस्ट कर सकते हैं, है ना, बस यही बात दे रखी है ISS के बारे में, टेस्ट कर सकते हैं. तो यहाँ है तो सेफ कंपेटिटिव रैपिड रेगुलर सूटेबल. जब आप टेस्ट करते हो, है ना, यही तो करते हो ना कि वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं. वेन एवर ड्रग्स आर टेस्टेड ऑन एनिमल्स इट इज फाउंड दैट आर दे सूटेबल ऑन द ह्यूमन बॉडीज और नॉट, है ना, वही चीज है ना कि जब आप कोई चीज को टेस्ट करते हो उसकी सूटेबिलिटी को चेक करते हो. सो दैट इज वाई योर आंसर इज जी. यहाँ पर क्या आता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, नॉलेज इज रिक्वायर्ड, अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड. दैट इज वाई आई वॉज सेइंग कि कीवर्ड्स के बेस पे आप आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते, है ना. मैंने इस पैसेज को फाइंड आउट किया है क्योंकि मेरे को मीनिंग वैसे समझ नहीं आया, लेकिन अगर मैं डिटेल में पढ़ूंगी तो मुझे समझ आएगा. बट मुझे अगर एज अ लेमैन ये समझ नहीं आता तो मैंने कीवर्ड्स के बेस पे एलिमिनेशंस करके अपने आंसर्स निकाले हैं. लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में तो बच्चे अंडरस्टैंडिंग चाहिए हमें, अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा डीप. तो जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं ना, जैसे फ्रीक्वेंट, कॉस्ट इफेक्टिव, ऐसे इस टाइप के कीवर्ड्स जो होते हैं, वर्ड्स होते हैं रीडिंग के, वो मीनिंग्स आप लिख लीजिएगा. माय नेक्स्ट वीडियो वुड बी अबाउट द रीडिंग वर्ड्स विच आर हाईली रिपीटेड इन द रीडिंग्स. वही है, जब आपको रीडिंग वर्ड्स का मीनिंग पता होगा कि कैम्ब्रिज की जो रीडिंग्स होती हैं उनमें क्या क्या वर्ड हैं एकेडमिक जो यूज करते हैं एज वोकैबुलरी इन द रीडिंग्स, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है वो चीज़, और इजी भी हो जाता है दैट यू कैन फाइंड आउट द आंसर्स. ओके, नेक्स्ट कम्स माय मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द राइटर पर्पस इन राइटिंग दिस आर्टिकल. राइटर का पर्पस क्या है? अब आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये आंसर आपको कहाँ से मिलता है 98% टाइम्स? ये आपको आंसर मिलता है यहाँ से. Okay, see this heading, Science in Space. How will NASA transform the International Space Station from a building site into a cutting edge research laboratory? Yani NASA kaise transform karegi ISS ko ek building site se cutting edge yani advanced research laboratory mein, hai na. सो यहाँ से मिल गया आर्टिकल. वही तो है कि जब हम कोई ऐसे लिखते हैं तो हेडिंग लिखते हैं प्लस हम वहाँ बताते हैं कि what the whole passage is about. राइट, तो यहाँ से दिस इज समथिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यू मस्ट कंसीडर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके, तो राइटर का पर्पज है राइटिंग दिस आर्टिकल टू प्रमोट द एडवांटेज, नो, इलस्ट्रेट हाउ कुड बिकम मोर इफेक्टिव एंड बूम यू फाइंड आंसर हियर. ओके, सपोज करो कई बार 2% चांसेस ये भी हैं कि नहीं दे रखी होती हेडिंग में डिस्क्रिप्शन, तो क्या होता है आप वो चीज देख लीजिए. अच्छा, प्रमोट द एडवांटेजेस ऑफ स्पेस फ्लाइट, मेरे को पता है स्पेस फ्लाइट के बारे में बात हुई थी लेकिन वो तो एंड पैसेज में हुई थी, पूरे आर्टिकल में थोड़ी ना हुई थी. सो एलिमिनेट कर दीजिए कीवर्ड के बेस पे. क्रिटिसाइज ISS फॉर इट्स नैरो माइंडेड एटीट्यूड, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था वो, तो डिफरेंट टाइप की चीजें बता रहा था, वैसे मेरे को समझ नहीं आया पैसेज, बट क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था. कॉन्ट्रास्ट यूजफुल एंड वर्थलेस स्पेस प्रोजेक्ट्स, ये भी उसने कॉन्ट्रास्ट नहीं किए हैं, उसने ISS के बारे में ही बात की थी वैसे तो पूरे पैसेज में. तो फाइन, उस चीज का ध्यान रखिएगा कि हेडिंग जो होती है, राइटर का जो मेन पर्पज होता है ना, वो यहां से पता चलता है. एंड दैट्स इट. सो दिस इज अ वे यू डू योर रीडिंग विद इन 1 आवर. सो दिस इज हाउ आई कंप्लीट माई 40 questions विद इन 1 आवर. आई एम टेलिंग यू अगेन, रीडिंग नीड्स प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ओके, टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, लोकेशंस को एकदम से एनालाइज करने की वो नई नई थी लेकिन वो मैंने अप्लाई करके बताई, राइट. आपको दूसरा टाइम मैनेजमेंट, वो चीज़ मैं खुद करती हूँ. इजी पैसेज आपका जल्दी हो जाता है, मेरा दिमाग घुमाया था 3rd passage ने और वो एवरी टाइम हैपन्ड इन माई रियल एग्जाम. अगर मैंने 6 से 7 attempts ली है रियल एग्जाम्स की, तो वो 3rd passage ही था जो दही बना देता है दिमाग की. ओके, मेरे को भी साइंस बेस, मैंने पर्पजली ये पैसेज सेलेक्ट किया था, ये रीडिंग सेलेक्ट की थी क्योंकि इसमें एक ऐसा पर्टिकुलर पैसेज है, एक ऐसा पर्टिकुलर फील्ड है जहाँ से रीडिंग उठाई गई है, दैट इज साइंस विच इज नॉट माई फेवरेट, जिसको मैं समझने की कोशिश ही नहीं करती.
फाइन, फिर भी मैंने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है ऑन द बिहाफ ऑफ द कीवर्ड्स एंड ऑन द बिहाफ ऑफ द स्ट्रैटेजीज। सो उन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, यू विल फाइंड आउट योर आंसर्स। जस्ट अ रिक्वेस्ट, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज प्रेस दैट लाइक बटन एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल बी ट्राइंग टू हेल्प यू आउट विद सम मोर यूजफुल वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। Have a nice time.